किसी ने कृष्णमूर्ति से प्रश्न किया है कि मैं आपको कई वर्षों से सुन रहा हूँ तथा मैं अपने विचारों को देखने में तथा जो भी मैं कर रहा होता हूँ उसके प्रति सजग रहने में काफ़ी दक्ष हो गया हूँ, लेकिन मैं गहरे पानी में कभी नहीं बैठ पाया हूँ। जिस रूपांतरण की आप बात किया करते हैं उसका अनुभव कभी नहीं कर पाया हूँ, ऐसा क्यों है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मेरे ख्याल से यह बात काफ़ी स्पष्ट है कि हम में से कोई भी मात्र अवलोकन करने से परे का अनुभव क्यों नहीं कर पाता है। भाव दशा के कुछ विरल क्षण हो सकते हैं जिनमें हमें मानो मेघों के बीच विमल आकाश दिख जाए, किंतु मेरा अभिप्राय उस प्रकार की घटना से नहीं है। ऐसे सभी अनुभव अस्थायी तथा नितांत अल्प महत्व के होते हैं। प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है कि अवलोकन करते रहने के कई वर्षों के उपरांत भी उसे गहरा पानी अभी तक नहीं मिल पाया है जिसमें वह प्रवेश कर सके। वह उसे क्यों मिलना चाहिए? आप समझ रहे हैं, आप सोचते हैं कि अपने विचारों का अवलोकन करने से आपको कोई पुरस्कार उपलब्ध होने वाला है। यदि आप यह करेंगे तो आपको वह मिलेगा। आप वास्तुतः अवलोकन कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपका मन कोई उपलब्धि हासिल कर लेने की फिराक में है। आप सोचते हैं कि अवलोकन करते रहने से, सजग बने रहने से आप अधिक प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, कम दुख उठाएंगे, कम खींचा करेंगे, कहीं उस पार पहुंचना हो जाएगा। तो आपका देखना, अवलोकन करना खरीद फरोख्त की एक प्रक्रिया है। इस सिक्के से आप उसको खरीद रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आपका देखना चयन की एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह हुआ, यह देखना नहीं है, अवधान नहीं है, देखने का अभिप्राय है, बिना चयन के अवलोकन करना, बदल जाने की इच्छा की किसी भी गतिविधि के बिना स्वयं को ठीक वैसा ही देखना जैसे कि आप हैं, जो कर पाना अत्यंत दुष्कर है। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि आप वैसे ही बने रहेंगे जिस स्थिति में आप अब हैं। आप जानते नहीं हैं कि उस स्थिति में क्या होगा जब आप कोई परिवर्तन लाने की चाह के बिना स्वयं को वैसा ही देख पाते हैं जैसे कि आप हैं। समझ रहे हैं ना? मैं एक मिसाल लेता हूँ, फिर उसकी तफसील में जाते हैं और बात आपको साफ हो जाएगी। मान लीजिए मैं हिंसक हूँ, जैसे कि अधिकतर लोग हैं। हमारी संस्कृति हिंसक है, लेकिन मैं इस समय हिंसा की संरचना का विषय नहीं लूँगा क्योंकि हम अभी उस समस्या पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो मैं हिंसक हूँ और मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं हिंसक हूँ, तब क्या होता है? मेरी तत्कालिक प्रतिक्रिया यह होती है कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए, है ना? मैं कहता हूँ कि मुझे अहिंसक बनना चाहिए, तो मैं अभ्यास करने लगता हूँ, सब तरह के आदर्शवादी कामों में मैं लग जाता हूँ। पर अब मैं यह देख पाता हूँ कि स्थिति कितनी असंगत है, क्योंकि वह सत्ता जो हिंसा का अवलोकन कर रही है और उसे अहिंसा में परिवर्तित करना चाहती है अभी भी हिंसक ही है। तो आप मेरा सरोकार उस सत्ता की, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति से नहीं अपितु स्वयं उस सत्ता से है। मुझे आशा है आप यह सब बात समझ पा रहे हैं। अब वह सत्ता कौन है? वह हस्ती कौन है जो कहती है मुझे हिंसक नहीं होना चाहिए? क्या वह सत्ता उस हिंसा से भिन्न है जिसका वह अवलोकन कर रही है? क्या वे दो भिन्न अवस्थाएं हैं? आप समझ रहे हैं ना?
या फिर यह कुछ अधिक अमूर्त है। हम इस वार्ता को समाप्ति के निकट आ रहे हैं और आप शायद थोड़ा थक गए हैं। निश्चित ही मुझे हिंसा को अहिंसा में बदलना होगा। ऐसा कहने वाली हस्ती और हिंसा दोनों एक ही है। इस तथ्य को पहचान कर लेना समस्त द्वंद्व की समाप्ति है कि नहीं? तब परिवर्तन के प्रयास का अंतर्द्वंद नहीं रहता, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि मन की हिंसा ना होने की गतिविधि हिंसा का परिणाम ही है। तो प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है कि वह मन के इन सब सतही बखेड़ों के परे नहीं जा पा रहा है। कारण सीधा सा है कि चेतन या अचेतन रूप से मन कुछ ना कुछ तलाशता रहता है, और यही तलाश हिंसा, प्रतिस्पर्धा तथा नितांत असंतुष्टि के एहसास का कारण बनती है। केवल तभी जब मन पूर्णतः निश्चल होता है, गहरे पानी में बैठने की संभावना बनती है।